नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं हार्ट हेल्थ को लेकर, क्योंकि गर्मियों का मौसम बढ़ते ही हार्ट से रिलेटेड परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं, हार्ट से संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है। आज हम बात करेंगे कुछ फ्रूट्स की। आप चाहते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी रहे और आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पूरा दिन एनर्जेटिक फील कर, आज की वीडियो में हम उन फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाएंगे। और आप डेली इन फ्रूट्स को खाइए और अपने आप को हेल्दी रखिए, आपका हार्ट अच्छा होगा। जो भी मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। हमें हमेशा वही फ्रूट्स खाने चाहिए जो सीजन में आते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रकृति से हमें नेचुरली वही फ्रूट्स मिलते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। हमारे शरीर में वात पित्त कफ, ये त्रिदोष होते हैं, अगर ये बैलेंस होते हैं तो हमारा शरीर हेल्दी रहता है। अगर इनमें से कोई भी अप डाउन होता है उससे रिलेटेड बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। अगर कफ इम्बैलेंस होगा तो उससे रिलेटेड हो जाएंगी, वात से के इम्बैलेंस होने से वात से रिलेटेड हो जाएंगी, पित्त से संबंधित हो जाएंगी, इस तरीके से बीमारियां होने लगती हैं। इसीलिए सीजनल फ्रूट्स ही खाइए, जो मौसम में फ्रूट्स आते हैं वो आपको हम खाने चाहिए। भले ही आप ज्यादा ना खाएं, कम खाएं, लेकिन सीजनल फ्रूट्स हमेशा खाने चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तरबूज की। आपको तरबूज डेली खाना चाहिए। एक तो ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है क्योंकि इसमें पानी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने का कार्य करते हैं, और इसके साथ साथ बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी नहीं बढ़ने देते। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप मार्केट में फ्रूट्स खरीदने जाएं, सबसे पहले आप फ्रूट्स को खरीदने से पहले ये अच्छे से जान लें कि उसमें केमिकल तो नहीं है, इंजेक्शन तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आजकल मार्केट में इंजेक्शन वाले भी तरबूज बहुत आ रहे हैं, इसके बारे में न्यूज भी आप सुनते होंगे। कोशिश करें कि आपको बिना केमिकल वाला तरबूज मिल जाए। दूसरा फ्रूट है पपीता। आप सब जानते हैं कि पपीता हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पपीते में वो सभी पोषक तत्व हैं जो हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना देता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट हार्ट हेल्थ को भी अच्छा करते हैं, इसलिए पपीता पेट के साथ साथ हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं लहसुन की। लहसुन का सेवन गर्मियों में करना भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने वाले पोषक तत्व लहसुन में पाए जाते हैं, इसीलिए ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जिन लोगों को लो बीपी की शिकायत रहती है वो लहसुन का ज्यादा प्रयोग ना करें, कि लो बीपी वालों के लिए लहसुन अच्छा नहीं होता है, इससे और आपका बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। खीरा, आजकल गर्मी के मौसम में खीरा मार्केट में बहुत ज्यादा आ रहा है। खीरे में भी पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ये भी हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने का कार्य करता है। इसमें भी पाए जाने वाले जितने पोषक तत्व हैं वे भी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखते हैं, और इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, सोडियम, इनकी मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी नहीं बढ़ने देते, मीन्स ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने का भी कार्य करता है। अब हम एक बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट फल की बात करते हैं, आड़ू। आड़ू एक बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल होता है, और ये भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि लेकिन इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए कि आपको देसी आड़ू मिल जाए, क्योंकि मार्केट में हाइब्रिड आड़ू भी बहुत ज्यादा मिलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं। आप देसी आड़ू और हाइब्रिड आड़ू को जब खाएंगे, आप देखेंगे कि देसी आड़ू का टेस्ट हाइब्रिड आड़ू से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। जैसे टेस्ट में डिफरेंस है, वैसे ही इनके गुणों में भी बहुत डिफरेंस होता है। मैं बार बार आपसे यही कहूंगी, जो भी हमारे यहाँ इजिली फल मिल जाते हैं मौसम में, वही आप खाएं, वही आपकी हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे। आड़ू में एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, और इससे बीपी भी बैलेंस में रहता है। जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए भी आड़ू बहुत अच्छा होता है। अभी हमने बात की हमें कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं जो हमारे हार्ट को हेल्थी बनाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रीकॉशन की। देखिए, फ्रूट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन आजकल जितनी ज्यादा मात्रा में फलों में सब्जियों में केमिकल का यूज किया जा रहा है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि अगर आपको कहीं से बिना केमिकल वाले सब्जियां या फल मिल जाए तो वो खरीदें। आप जब भी फलों को या सब्जी को घर में लाएं, आप बनाने से पहले या फलों को खाने से कम 30-45 मिनट उनको पानी में भिगोकर रख दें। इससे क्या होगा, उनका कुछ असर कम हो जाएगा,
जिससे वो हमारी हेल्थ को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज ऐसे ही नॉलेजफुल और ऑथेंटिक कंटेंट डेली मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।